ज्ञान की जागृति से व्यक्ति के अंदर सदाचार की उत्पत्ति होती है। आत्मज्ञान की जागृति से नैतिकता की उत्पत्ति होती है, सत्गुणों की उत्पत्ति होती है, सत्कर्म करने की प्रबल इच्छा जगती है, सतराहों पर चलने की प्रबल इच्छा, सच्चरित्रों को धारण करने की प्रबल इच्छा, सकारात्मकताओं के साथ सत्य का अनुसरण करने का मन का वह संकल्प, न्याय धर्म को धारण करने की इच्छा, ईमानदारी मानवता के निर्वहन करने की प्रबल इच्छा, शांति अहिंसा सरलता सादगी निश्चलता निर्मलता आदि को अपने शरीर में समाहित करने की प्रबल इच्छा स्वयं ही प्रस्फुटित होती है और इस प्रकार प्रस्फुटित होती है कि वह हमारे जीवन को बदल कर रख देती है। यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ी क्रांति होती है। इस क्रांति से जीवन का सब कुछ बदल जाता है। जीवन सकारात्मकताओं से ऐसा ओतप्रोत हो जाता है कि जो स्वयं में किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा से संचरित कर देता है। ऐसा व्यक्तित्व तो नैतिकता को निभाना अच्छे से जानता है, मानवता के सिद्धांतों के निर्वहन का रूप वह अच्छे से समझता है, अन्य लोगों के प्रति सद्भावना का रूप निखर कर सामने आने के साथ साथ अन्य लोगों के प्रति दया और करुणा की भावना की उत्पत्ति होती है। और जिस मन में, जिस शरीर में, जिस हृदय में करुणा ना हो, जिस हृदय में दया ना हो, जिस हृदय में उदारता ना हो, फिर वह हृदय कैसा है, वह मन कैसा है। परंतु यह सत्य है कि आत्मज्ञान की उत्पत्ति से यह सब संभव है, वह संभव है जो असंभव सा लगता है। अर्थात सामान्य रूप से जो जो असंभव सा लगता है वो आत्मज्ञान की उत्पत्ति से संभव होने लगता है और सब संभव होकर जीवन को परिवर्तित करके एक अद्भुतता की ओर पहुंचने का रूप तैयार हो जाता है। यह चमत्कार है आत्मज्ञान का, यह प्रकाश है आत्मज्ञान का, यह रमणीकता और यह सुंदरता है आत्मज्ञान की, जिसे हम महसूस कर पाए और जगा पाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है।